हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं इस तरीके का डिज़ाइन नेक पर, जिसके बनने के बाद में बहुत ही प्यारा लगेगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती ले लेंगे जो हमने गले के लिए कट किया है। अब हम बुकरम लेकर इस पर निशान लगा लेंगे। सबसे पहले हम 5 इंच की इसकी चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम इसकी लेंगे 15 इंच। अब यहाँ से हमें 2.25 इंच इसके इधर से निशान लगाने हैं। इधर भी दूसरी साइड भी हमें 2.25 इंच निशान लगा लेने हैं। अब इस तरीके से रखकर हम इसको सीधा कर लेंगे। इधर भी हम 2.25 इंच पर रखकर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं। ये हमने निशान लगा लिए हैं, इसको सीधा कर लेंगे हम। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इधर से भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हम रख लेंगे ताकि हमारे आगे ये काम देगी। अब हम कपड़े पर इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके साइड का जो फालतू कपड़ा उसको हम कटिंग कर लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। यह मेरी सिलाई लगकर रेडी है। अब हम कुर्ती लेंगे, इस पर इसको अटैच कर देंगे। सबसे पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला इधर उधर नहीं हो। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम चार तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे, अंदर को फोल्ड करके पलट लेंगे हम इसको। ये हमारा नेक। अब हम इस पर जो हमारी बची हुई बुकरम थी हम इसको पेस्ट कर लेंगे इस पर कपड़े पर, और एक बॉल सी लेंगे जिसकी लंबाई हमारी मिनिमम 3 इंच होगी। कोई कटोरी ले सकते हैं या कोई ढक्कन हो उसको ले सकते हैं आप, मगर उसकी लंबाई 3 इंच होनी चाहिए। अब हम इसको रखकर हम पेन से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेने हैं, सर्कल बना लेने हैं। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब निशान पर ही कटिंग लगानी है ताकि फालतू नहीं कटे, क्योंकि हमें इतनी ही लंबाई और चौड़ाई के
शेप चाहिए। हाँ फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को न्यू तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना वीडियो अच्छी लगे तो। इस तरीके से हम इसको अब बनाएंगे। वैसे ये शेप सही है। सबसे पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऐसे ही हमने सबकी शेप दे देनी है चारों तरफ। अब हम इस पर मोती लगा लेंगे। सुई से अच्छे से हमें टाँक लेना है इस पर और इस पर मोती लगा लेना है। सभी को हमें रेडी कर लेना है इस तरीके से। ये मेरे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से हम सुई की मदद से ज्वाइंट कर लेंगे। ये मैंने कर लिए हैं सारे ज्वाइंट। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई हमें 1 इंच, जिसकी लंबाई हमें 15 इंच रखनी है और चौड़ाई हमें 1 इंच रखनी थी। फेविकोल लेकर हमें ये पेपर पर चिपका लेने हैं। एक्स्ट्रा पेपर की हमें कटिंग कर देनी है। अब इन पट्टियों को हमें सिलाई लगा लेनी है और इसकी ही साइड में रखकर हमें इस पर स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड पट्टी को रखकर स्टिच कर लेना है। ऐसे हमें दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेनी है। देख सकते हैं मेरी दोनों अब रेडी हो चुकी हैं। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको हम कट कर देंगे। दोनों रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको लगाएंगे अपने नेक पर इस तरीके से रख कर और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये मेरी सिलाई लग चुकी है। ऐसे ही हमें दूसरे पर सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा नेक पर सिलाई लगकर रेडी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितना भी हमने वो लिया था पेपर उसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा कितना फिनिशिंग से आया है। अब हम 7 इंच नाप कर इसके लिए पट्टी तैयार करेंगे इस तरीके की।
इसकी चौड़ाई हमारी 7 इंच और लंबाई इसकी 10 इंच है। इस तरीके से इसके अंदर रखकर हम इस पर सिलाई लगा ले लेंगे। फिर से हमें इस पर सिलाई यहाँ से लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देना है और यह हमारा नेक बनकर रेडी है। इस पर हमें मोती लगा लेने हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा नेक लग रहा है। तब तक के लिए